वेलकम बैक टू वर्ल्ड कप दुनिया के साथ आप लोग देख हमारी ट्रांसमिशन लाहौर से लाइव और हम बात कर रहे हैं टीम पाकिस्तान की। बट बिफोर वी गो एनी फर्दर आइए हिना से पूछते हैं कि उनके पास क्या पैकेज है। जी हिना, क्या है आपके पास हमारे लिए? जी अली, वर्ल्ड कप के हवाले से जहां गैर मुल्की साबिक क्रिकेटर्स अपनी टीमों को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने अपने खिलाड़ियों को मुफीद टिप्स दे दी। सबसे पहले बात करते हैं अब्दुल रजाक के बारे में। साबिक कप्तान क्या कहते हैं? उनका कहना है कि अब्दुल रजाक पाकिस्तान के लिए किस्मत की देवी साबित हो सकते हैं और अब्दुल रजाक को अपनी बॉलिंग पर फोकस करना पड़ेगा और फील्डिंग में प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। वो एक तजर्बाकार स्पोर्ट्समैन है, उनको ज़हनी तौर पर रिलैक्स होने की जरूरत है जिससे वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी ले सकते हैं। उमर गुल के बारे में वसीम अकरम का क्या कहना है? मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ की गैर मौजूदगी में सारी जिम्मेदारी उमर गुल पर आयद होती है। उमर गुल को बॉलिंग अटैक देने के लिए मेहनत दरकार है और वसीम अकरम के मुताबिक उनको रिवर्स स्विंग के स्टाइल को एशियाई पिच की तरह इस्तेमाल करना होगा। शुएब अख्तर के बारे में इजहार करते हैं कि साबिक कप्तान क्या कहते हैं। शुएब अख्तर को टूर्नामेंट में फिट रहने की जरूरत है और शाहिद आफरीदी उनको फिट रखने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उनको कम ओवर्स करने के लिए कहा जाए, या तो वो मैच के शुरू में बॉलिंग करें या फिर दरमियान में। उनसे ये तवक्को रखी जाए कि वो पूरे स्पेल में बॉलिंग करा सकेंगे, इससे उनकी कारकर्दगी मुतासिर होगी। सुहेल तनवीर के लिए वसीम अकरम ने अफसोस का इजहार किया है कि सुहेल तनवीर का टीम में ना होना टीम के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, मगर अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गईं खेत। अच्छे ऑलराउंडर की कमी सुहेल तनवीर ही पूरा कर सकते थे। शायकी ने क्रिकेट की नजरें एक वाहिद खिलाड़ी पर लगी होंगी और वो है अहमद शहजाद। वसीम अकरम के मुताबिक उनका बैटिंग स्टाइल सचिन तेंदुलकर से बहुत मिलता जुलता है। उनके दौरे न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी उनकी काबिलियत और पूरे एतमादी की इक्कासी करती है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और वो एशियाई विकेट पर खेलने के लिए एक मुफीद इंतखाब हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के मायानाज साबिक टेस्ट क्रिकेटर और धुआंधार बैटिंग करने वाले आमिर सुहेल। इनसे पूछते हैं कि वसीम अकरम के खिलाड़ियों के बारे में तासरात कहां तक दुरुस्त हैं और क्या असरात मुरतब हो सकते हैं इस वर्ल्ड कप के हवाले से। जी आमिर भाई, आई थिंक देखिए उसमें अब्दुल रजाक बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर डेफिनेटली हो सकते हैं। बॉलिंग को तो कॉन्सेंट्रेट उनको करना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल में अगर उनको बैटिंग ऊपर कराई जाए तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा यूटिलिटी लेके आ सकते हैं। और जहाँ तक शुएब अख्तर की बात है, मैं आइडली यही कहूँगा कि उनको आप जो पहले 15 ओवर्स हैं उसमें आप छोटे छोटे स्पेल में यूज़ करें। ये साउथ अफ्रीका जब पाकिस्तान इंग्लैंड से खेलता आ रहा है, जब इन्होंने कम बैक किया था, तब की हम लोग बात कर रहे हैं। उनकी फ़िटनेस को सामने रखें, अब उसके बाद 7 महीने गुजर चुके हैं, डेफिनेटली फ़िटनेस उनकी इम्प्रूव नहीं हुई, वरना वो हर मैच खेल रहे होते। और आज भी देखने में ये आया कि 6 ओवर्स किए उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वार्म अप मैच में, थोड़े रन दिए उन्होंने, लेकिन जब वो सेकेंड स्पेल करने आए तो उनको 4 ओवरों में 40 के करीब स्कोर पड़ गया। तो इसका मतलब है उनकी फ़िटनेस नहीं है। उनको आपने शुरू में यूज़ करना है, 3 ओवर के बर्स में अगर विकेट मिलती है तो एक आधा और ओवर, 2 ओवर्स का रेस्ट करवा के दोबारा उनको बॉलिंग के लिए लेके आना है। उसके बाद कोशिश आपने ये करनी है कि पहला जब बॉलिंग पावर प्ले ख़त्म हो उसके बाद आपके पास, कप्तान के पास शुएब अख्तर के 3 ओवर बचने चाहिए और उस वक्त आप इस्तेमाल करें कि उनकी बॉडी जो है वो ठंडी ना हो जाए, उनके मसल जो हैं वो सुकड़ ना जाए। जब वो वार्म अप हों तो 24-25 ओवर में जब थोड़ा सा गेंद रिवर्स कर रहा होगा तो उनको फाइनल 3 ओवर्स के लिए लेके आया जाए कि जहाँ पे वो विकेट लेने की कोशिश करें। ये जो 4-4, 3-3 ओवर्स का मैनेजमेंट स्पेल है, ओवर्स मैनेजमेंट स्पेल, क्या आप ये समझते हैं कि बहुत से बड़ा बॉलर भी 3 ओवर्स के अंदर बैट्समैन को या जो पार्टनरशिप लगी हुई है उसको वो असेस करके एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और ब्रेक कर सकते हैं? बिकॉज़ एक्सपीरियंस किस का नाम है? यू हैव टू सेट द बैट्समैन अप। एक्सपीरियंस किस चीज़ का नाम है? बिल्कुल ठीक। यू कैन डू दैट कि 3 ओवर में भी आप कर सकते हैं। देखें, आपको वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपको विकेट नहीं मिली जी तो आप एकदम से होल्ड कर लें। आपके पास उमर गुल भी है और आपके पास वहाब रियाज भी हैं। आप इनका जो आपने पहले स्पेल मैनेजमेंट करनी है वो इस तरह की है कि आप शुएब अख्तर से एटलीस्ट 2 स्पेल्स में आप 6-7 ओवर निकाल लो। शुरू के 20-25 ओवरों से 15 ओवर्स में आपने उनके 2 स्पेल्स में 6-7 ओवर निकाल लेने हैं और उनको इतना वेट नहीं करवाना कि जब उनको दोबारा बॉलिंग के लिए लेके आया जाए कि उनके बिल्कुल मसल जो हैं वो
ठंडे हो जाएं, सुकड़ जाएं, और उसके बाद जब आके वो बॉलिंग करनी शुरू करें तो उनसे उनकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड ना करें. तो आई थिंक जिस उम्र में वो हैं वो उसमें आपको अगर आप वर्ल्ड कप में लेके गए हैं तो ओवर मैनेजमेंट आपको करनी आनी चाहिए. बिल्कुल ठीक. ये जो ट्रांसमिशन है ऑब्वियसली टीम पाकिस्तान की हम बात करें और उस पर हमने गाहे बगाहे बात भी की है, लेकिन याद रहे कि ये जो ट्रांसमिशन है दिस वन इज स्पेशली फॉर यू. और हम इस सेशन में भी और अगले आने वाले जो सेशंस में भी सिर्फ आप ही की फ़ोन कॉल्स लेंगे और आपके जो ख्यालात हैं, जो आपके क्वेश्चन हैं, हम उनको ऑनबिट करेंगे ताकि पैनल के थ्रू और आपकी जो भी राय है वो हर जगह पर पहुँच सके. बट बिफोर वी गो दैट, आप हमें फ़ोन कॉल करें, हम आपको दिखाते हैं टीम पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं and the profiles. Obviously, as you can see, Pakistan ki team is, we have some very serious batting talent. Shahid Afridi, Ahmed Shahzad, the new kid on the block, jiske baare mein saare baat kar rahe hain. Hafiz, an all-rounder playing in the team. Asad Shafiq, reliable middle-order batsman. इसी तरह साथ साथ में यूनुस खान, वर्ल्ड ऑफ एन एक्सपीरियंस देयर. मिसबा जो कि शायद इंटरनेशनल क्रिकेट कम खेले हमें भाई, बट आई थिंक अगेन बिग एक्सपीरियंस देयर. कामरान अकबल काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुके हैं. अब्दुल रज़ाक 254 ऑड मैचेस वनडे इंटरनेशनल्स के साथ में. फिर उमर अकमल है, अगेन अ वेरी गुड टैलेंट. और फिर बॉलर्स शुरू होते हैं जिसमें अब्दुल रहमान, अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस डोमेस्टिकली, और जुनेद खान यंग फास्ट टैलेंटेड बॉलर. उन्हीं के बिल्कुल ऑपोजिट शोएब अख्तर द वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर. सो व्हाट अ मिक्स वी हैव. और जो रेस्ट ऑफ द स्क्वाड है उसमें सईद अजमल, उमर गुल, वहाब रियाज एंड वकार यूनुस द कोच ऑफ पाकिस्तान. तो हमें भाई आई मीन अगर आप सिर्फ ये देखें, जो हमारे पास प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनके अगर आप वन डे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलाएं तो इट इज़ मोर देन 550 प्लस वन डे इंटरनेशनल सिर्फ दो में, जिसमें शाहिद आफरीदी और रज़ाक हैं. एंड देन यू हैव यंग टैलेंट, देन यू हैव गुड शोल्डर्स लाइक मिसबा, बैलेंस हेड. मतलब एक अच्छा मिक्स है. अब इस मिक्स को हम ट्रांसलेट किस तरह कर सकते हैं ऑन गिवन डे? आई थिंक यहाँ पे सारी हमारी कामयाबी भी है और हमारी नाकामी भी. स्ट्रेटजाइजिंग और जो आपने प्लेयर्स को रोल देना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा. अब जिस तरह आपके सामने एग्जांपल है मोहम्मद हफीज़ की, जब वो ओपन करने जा रहे हैं उनके साथ अहमद शहजाद ओपन करने जा रहे हैं. अब अहमद शहजाद इस तरह के बैट्समैन हैं कि आप उनको लाख रोक लें वो चौका मारने से बाज नहीं आएंगे. ही विल गो फॉर बाउंड्रीज. अगर वो आउट होते हैं तो उसके बाद कामरान अकमल आ रहे हैं, वो भी शॉट्स मारने वाले प्लेयर हैं. तो उस वक्त तक रोल जो मोहम्मद हफीज़ का डिफाइन होना चाहिए कि अगर आपको बहुत ही गंदा गेंद मिल जाए तब आपने चौका का सोचना, वरना आपने सिंगल्स करके देनी है. आपने पॉजिटिव रहना लेकिन सिंगल करके देनी है. ये दो प्लेयर अगर खुदा ना खास्ता आउट होते हैं तब मोहम्मद हफीज़ ने टेक ओवर करना है, अपने हाथों में गेम लेनी है कि प्लेयर लाइक यूनुस खान को थोड़ा सा टाइम दे जिनको ज़रूरत होती है. कंट्रोल पेस ऑफ द गेम, पेस करनी, मोमेंटम को आगे लेके चलना है और अलाउ करना है इन मिसबा और यूनुस को कि वो सेटल डाउन हो क्रीज के ऊपर. अगर ये चीज़ करने में कामयाब होते हैं तो आपके पास एक्सप्लोसिव प्लेयर्स हैं. भाई क्रिकेट में सिचुएशंस बड़ी मुख्तलिफ होती हैं. एंड ब्रीफली आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी एक कंप्लीट टीम तब होती है कि जब हर सिचुएशन के ऊपर आपके पास एक प्लेयर हो. और डू यू थिंक कि जो भी सिचुएशन क्रिकेट आपको थ्रो करती है चैलेंज, उसके लिए हमारे पास प्लेयर्स हैं? बिकॉज अहमद शहजाद भी है, उमर अकमल भी है, मिसबा भी है, यूनुस भी है, आफरीदी भी है. मिडिल ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा आपका इस तरह का बना हुआ है कि ये मोमेंटम तोड़ सकता है. ओके, उसमें आप यूनुस खान और मिसबा दोनों इकट्ठे आते हैं तो ये दोनों को 5-6 ओवर्स की ज़रूरत होती है टू सेटल डाउन एंड विकेट को गेज करके, बॉलिंग को गेज करके फिर ये मोमेंटम को आगे बढ़ाएं. तो इसमें आई थिंक अगर इन दोनों प्लेयरों के दरमियान आप किसी प्लेयर को डालते हैं, एक्सप्लोसिव प्लेयर, अगर आप इसमें आइडियली रज़ाक को यूज़ कर लेते हैं बड़ा अच्छा होगा. क्योंकि देखें आपके पास शाहिद अफरीदी और उमर अकमल जैसे प्लेयर हैं जो किसी भी बॉलिंग के खिलाफ अटैक कर सकते हैं. फिर अगर आपने आखिरी 10 ओवर्स के लिए प्लेयर लाइक रज़ाक, शाहिद अफरीदी, उमर अकमल, इन तीन को आपने रखना है तो मेरा ख्याल है आप टैलेंट वेस्ट करेंगे. थोड़ा सा आपने और इसके ऊपर थोड़ा सा गौर खोज करना है तो मेरे ख्याल में कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का एक्सप्लोसिव बन सकता है. हम आपकी कॉल्स लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपकी राय हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे. बट एक ब्रेक के बाद, आप हमें कॉल कर सकते हैं. गोइंग फॉर अ ब्रेक, विल बी राइट बैक.